आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। आज मैं आप सब लोगों के लिए मुंशी प्रेमचंद जी की एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ, जिसका शीर्षक है बोहनी। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों और जानकारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। उस दिन जब मेरे मकान के सामने सड़क की दूसरी तरफ एक पान की दुकान खुली तो मैं बाग बाग हो उठा। उधर एक फरलांग तक पान की कोई दुकान न थी और मुझे सड़क के मोड़ तक कई चक्कर काटने पड़ते थे। कभी वहाँ कई कई मिनट तक दुकान के सामने खड़ा रहना पड़ता था। चौराहा है, ग्राहकों की तो हरदम भीड़ रहती है। यह इंतज़ार मुझको बहुत बुरा लगता था। पान की लत मुझे कब पड़ी और कैसे पड़ी ये तो अब याद नहीं आता, लेकिन अगर कोई बना बना कर गिलौरियाँ देता जाए तो शायद मैं कभी इनकार न करूँ। आमदनी का बड़ा हिस्सा नहीं तो छोटा हिस्सा ज़रूर पान की भेंट चढ़ जाता है। कई बार इरादा किया कि एक पानदान खरीद लूँ, लेकिन पानदान खरीदना कोई खाला जी का घर नहीं है और फिर मेरे लिए तो हाथी खरीदने से किसी तरह कम नहीं। और मान लो जान पर खेलकर एक बार खरीद भी लूँ तो पानदान कोई परी की थैली तो है नहीं कि इधर उधर इच्छा हुई और गिलौरियाँ निकल पड़ी। बाजार से पान लाना, दिन में 5 बार फेरना, पानी से तर करना, सड़े हुए टुकड़ों को तराश कर अलग करना, ये क्या कोई आसान काम है? मैंने बड़े घर की औरतों को हमेशा पानदान की देखभाल और प्रबंध में ही व्यस्त पाया है। इतना सिरदर्द उठाने की क्षमता होती तो आज मैं भी आदमी होता। और अगर किसी तरह ये मुश्किल भी हल हो जाए तो सुपारी कौन काटे? यहाँ तो सरौते की सूरत देखते ही कपकपी छूटने लगती है। जब कभी ऐसी ही कोई ज़रूरत आ पड़ी जिसे टाला नहीं जा सकता तो सिल पर बट्टे से तोड़ लिया करता हूँ, लेकिन सरौते से काम लूँ ये तो गैर मुमकिन है। मुझे तो किसी को सुपारी काटते देखकर उतना ही आश्चर्य होता है जितना किसी को तलवार की धार पर नाचते देखकर। और मान लो ये मामला भी किसी तरह हल हो जाए तो आखिरी मंजिल कौन फतेह करे? कत्था और चूना बराबर लगाना क्या कोई आसान काम है? कम से कम मुझे तो उसका ढंग नहीं आता। जब इस मामले में वो लोग रोज़ गलतियाँ करते हैं जो इस कला में दक्ष हैं, तो मैं भला किस खेत की मूली हूँ? तमोली ने अगर ज़्यादा चूना कर दिया तो कत्था और ले लिया, उस पर उसे एक डांट भी बताई, आंसू पूंछ गए। मुसीबत का सामना तो उस वक्त होता है जब किसी दोस्त के घर जाएं। पान अंदर से आया तो इसके सिवाय कि जानबूझकर मक्खी निकले, समझ बूझ कर जहर का घूंट गले के नीचे और चारा ही क्या है। शिकायत नहीं कर सकते, सभ्यता जो बाधक होती है। कभी कभी पान मुंह में डालते ही ऐसा मालूम होता है कि जीभ पर कोई चिंगारी पड़ गई, गले से लेकर छाती तक किसी ने पारा गर्म करके उंडेल दिया, मगर घुट कर रह जाना पड़ता है। अंदाज में इस हद तक गलती हो जाए तो ये समझ में आने वाली बात नहीं। मैं लाख अनाड़ी हूँ लेकिन कभी इतना ज़्यादा चूना नहीं डालता। हाँ, 2-4 छाले पड़ जाते हैं। मैं तो समझता हूँ यही अंतःपुर के कोप की अभिव्यक्ति है, आखिर वो आपकी ज्यादतियों का प्रोटेस्ट क्यों करें? खामोश बॉयकॉट से आप राज़ी नहीं होते, दूसरा कोई हथियार उनके हाथ में है नहीं। भवों की कमान और बरौनियों का नेजा और मुस्कुराहट का तीर उस वक्त बिल्कुल कोई असर नहीं करते जब आप आंखें लाल किए, आस्तीनें समेटे इसलिए आसमान सिर पर उठा लेते हैं कि नाश्ता और पहले क्यों नहीं तैयार हुआ। तब सालन में नमक और पान में चूना ज़्यादा कर देने के सिवाय बदला लेने का उनके हाथ में और क्या साधन रह जाता है। खैर, 3-4 दिन के बाद एक दिन मैं सुबह के वक्त तमोलिन की दुकान पर गया तो उसने मेरी फरमाइश पूरी करने में ज़्यादा मुस्तैदी ना दिखलाई। एक मिनट तक तो पान फेरती रही, फिर अंदर चली गई और कोई मसाला लिए हुए निकली। मैं दिल में खुश हुआ कि आज बड़े विधिपूर्वक गिलौरियाँ बना रही है, मगर अब भी वो सड़क की ओर प्रतीक्षा की आंखों से ताक रही थी कि जैसे दुकान के सामने कोई ग्राहक ही नहीं, और ग्राहक भी कैसा जो उसका पड़ोसी है और दिन में 20 ही बार आता है। तब तो मैंने ज़रा झुंझला कर कहा, मैं कितनी देर से खड़ा हूँ, कुछ इसकी भी खबर है? तमोलिन ने क्षमा याचना के स्वर में कहा, हाँ बाबूजी, आपको देर तो बहुत हुई, लेकिन एक मिनट और ठहर जाइए। बुरा न मानिएगा बाबूजी, आपके हाथ की बोनी अच्छी नहीं है। कल आपकी बोनी हुई थी, दिन में कुल 6 आने की बिक्री हुई। परसों भी आप ही की बोनी हुई थी, 8 आने के पैसे दुकान में आए थे। इसके पहले 2 दिन पंडित जी की बोनी हुई थी, दोपहर तक 2.5 रुपया आ गए थे। कभी किसी का हाथ अच्छा नहीं होता बाबूजी।
मुझे गोली सी लगी। मुझे अपने भाग्यशाली होने का कोई दावा नहीं है, मुझसे ज़्यादा अभागे दुनिया में कम होंगे। इस साम्राज्य का अगर मैं बादशाह नहीं तो कोई ऊंचा मनसबदार ज़रूर हूँ, लेकिन ये मैं कभी गवारा नहीं कर सकता हूँ कि मनहूसी का दाग बर्दाश्त कर लूँ। कोई मुझसे बोनी न कराए, लोग सुबह मेरा मुँह देखना अपशकुन समझें, ये तो घोर कलंक की बात है। मैंने पान तो ले लिया, लेकिन दिल में पक्का इरादा कर लिया कि इस नहुसत के दाग को मिटाकर ही छोड़ूंगा। अभी अपने कमरे में जाकर बैठा ही था कि मेरे एक दोस्त आ गए। बाजार साग भाजी लेने जा रहे थे। मैंने उनसे अपनी तंबोलिन की खूब तारीफ की। वो महाशय ज़रा सौंदर्य प्रेमी थे और मजाकिया भी। मेरी ओर शरारत भरी नज़रों से देख कर बोले, इस वक्त तो भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं और ना अभी पानों की ज़रूरत है। मैंने कहा, पैसे मुझसे ले लो। हाँ ये मंजूर है, मगर कभी तकाजा मत करना, ये तो टेढ़ी खीर है भाई। तो क्या मुफ्त में किसी की आंख में चढ़ना चाहते हो? मजबूर होकर उन हजरत को एक ढोली पान के दाम दिए। इसी तरह जो मुझसे मिलने आया उससे मैंने अपनी तंबोलिन का बखान किया। दोस्तों ने मेरी खूब हंसी उड़ाई, मुझ पर खूब फप्तियाँ कसी, मुझे छुपा रुस्तम, भगत जी और न जाने क्या क्या नाम दिए। लेकिन मैंने सारी आफतें हंसकर टाली। ये दाग मिटाने की मुझे धुन सवार हो गई थी। दूसरे दिन जब मैं तंबोलिन की दुकान पर गया तो उसने फौरन पान बनाए और मुझे देती हुई बोली, बाबूजी कल तो आपकी बोनी बहुत अच्छी हुई, कोई 3.5 रुपये आए, अब रोज़ बोनी करा दिया करो। 3-4 दिन लगातार मैंने दोस्तों से सिफारिशें की, तंबोलिन की स्तुति गाई और अपनी गिरह से पैसे खर्च करके सुरखरुई हासिल की। लेकिन इतने ही दिनों में मेरे खजाने में इतनी कमी हो गई कि खटकने लगी। ये स्वांग अब ज़्यादा दिनों तक न चल सकता था, इसीलिए मैंने इरादा किया कि कुछ दिनों के लिए उसकी दुकान से पान लेना छोड़ दूँ। जब मेरी बोहनी न होगी तो मुझे उसकी बिक्री की क्या फिक्र होगी। दूसरे दिन हाथ मुँह धोकर मैंने एक इलायची खा ली और अपने काम में लग गया। लेकिन मुश्किल से आधा घंटा बीता होगा कि किसी की आहट मिली। आँख ऊपर को उठाता हूँ तो तंबोलिन गिलोरियाँ लिए सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। मुझे इस वक्त उसका आना जी पर बहुत भारी गुजरा, लेकिन इतनी बेमुरवती भी तो न हो सकती थी कि दुत्कार दूँ। बोला, तुमने नाहक तकलीफ़ की है, मैं तो आ ही रहा था। तंबोलिन ने मेरे हाथ में गिलोरियाँ रख कर कहा, आपको देर हुई तो मैंने कहा मैं ही चलकर भोनी कराऊँ। दुकान पर ग्राहक खड़े हैं मगर किसी की भोनी नहीं की। क्या करता, गिलोरियाँ खाई और बोहनी कराई। जिस चिंता से मुक्ति पाना चाहता था वो फिर फंदे की तरह गर्दन पर चिमटी हुई थी। मैंने सोचा था मेरे दोस्त 2-4 दिन तक उसके यहाँ पान खाएंगे तो आप ही उससे हिल मिल जाएंगे और मेरी सिफारिश की ज़रूरत न रहेगी। मगर तंबोलिन शायद पान के साथ अपने रूप का भी कुछ मोल करती थी, इसीलिए एक बार जो उसकी दुकान पर गया दोबारा नहीं गया। 2-1 रसिक नौजवान अभी तक आते थे, वो लोग एक ही हंसी में पान और रूप दर्शन दोनों का आनंद उठाकर चलते बनते थे। आज मुझे अपनी साख बनाए रखने के लिए फिर 1.5 रुपये खर्च करने पड़े। बधिया बैठ गई। दूसरे दिन मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, मगर जब तंबोलिन ने नीचे से चीखना चिल्लाना और खटखटाना शुरू किया तो मजबूरन दरवाज़ा खोलना ही पड़ा। आँखें मलता हुआ नीचे गया, जिससे मालूम हो कि आज नींद आ गई थी। फिर बोहनी करानी पड़ी और फिर वही बला सिर पर सवार हुई। शाम तक 2 रुपये का सफाया हो गया। आखिर इस विपत्ति से छुटकारा पाने का यही एक उपाय रह गया कि वो घर छोड़ दूँ। मैंने वहाँ से 2 मील पर एक अनजान मोहल्ले में एक मकान ठीक किया और रातों रात असबाब उठवाकर वहाँ जा पहुँचा। वो घर छोड़कर मैं जितना खुश हुआ शायद कैदी जेल खाने से निकलकर भी उतना खुश नहीं होता होगा। रात को खूब गहरी नींद सोया। सवेरा हुआ तो मुझे उस पंछी की आज़ादी का अनुभव हो रहा था जिसके पर खुल गए हैं। बड़े इत्मीनान से सिगरेट पिया, मुंह हाथ धोए, फिर अपना सामान ढंग से रखने लगा। खाने के लिए किसी होटल की भी फिक्र थी, मगर उस हिम्मत तोड़ने वाली बला पर फतेह पाकर मुझे जो खुशी हो रही थी उसके मुकाबले में इन चिंताओं की कोई गिनती न थी। मुंह हाथ धोकर नीचे उतरा। आज की हवा में भी आज़ादी का नशा था, हर एक चीज़ मुस्कुराती हुई मालूम होती थी। खुश खुश एक दुकान पर जाकर पान खाए और जीने पर चढ़ ही रहा था कि देखा वो तंबोलिन लपकी चली आ रही है। कुछ न पूछो उस वक्त दिल पर क्या गुजरी, बस यही जी चाहता था कि अपना और उसका दोनों का सिर फोड़ लूँ। मुझे देखकर वो ऐसे खुश हुई जैसे कोई धोबी अपना खोया हुआ गधा पा गया हो, और मेरी घबराहट का अंदाज़ा बस उस गधे की दिमागी हालत से कर लो। उसने दूर से ही कहा,
वाह बाबूजी, आप ऐसा भागे कि किसी को पता भी न लगा। उसी मोहल्ले में एक से एक अच्छे घर खाली हैं। मुझे क्या मालूम था कि आप उस घर में बड़ी तकलीफ़ में हैं। नहीं तो मेरे पिछवाड़े ही एक बड़े आराम का सा मकान था। अब मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी, जिस तरह हो सकेगा आपको उठा ले जाऊंगी। आप इस घर का क्या किराया देते हैं? मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा, 10 रुपये। मैंने सोचा था कि किराया इतना कम बताऊं जिसमें यह दलील उसके हाथ से निकल जाए। इस घर का किराया 20 रुपये है, 10 रुपये में तो शायद मरने को भी जगह न मिलेगी। मगर तंबोलिन पर इस चकमे का कोई असर न हुआ। बोली, इस ज़रा से घर के 10 रुपये, आप 8 ही दीजिएगा, और घर इससे अच्छा ना हो तो जब भी जी चाहे छोड़ दीजिएगा। चलिए मैं उस घर की कुंजी लेती आई हूँ, इसी वक्त आपको दिखा दूँ। मैंने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, आज ही तो इस घर में आया हूँ, आज ही छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, पेशगी किराया दे चुका हूँ। तमोलिन ने बड़ी लुभावनी मुस्कुराहट के साथ कहा, 10 ही रुपये तो दिए हैं, आपके लिए 10 रुपये कौन बड़ी बात है। यही समझ लीजिए कि आप न चले तो मैं उजड़ जाऊंगी। ऐसी अच्छी बोनी वहाँ और किसी की नहीं है। आप नहीं चलेंगे तो मैं ही अपनी दुकान यहाँ उठा लाऊंगी। मेरा दिल बैठ गया, ये अच्छी मुसीबत गले पड़ी। कहीं सचमुच चुड़ैल अपनी दुकान न उठा लाए। मेरे जी में तो आया कि एक फटकार बताऊं, पर जबान इतनी बेमुरवत न हो सकी। बोला, मेरा कुछ ठीक नहीं है, कब तक रहूं कब तक ना रहूं। आज ही तबादला हो जाए तो भागना पड़े, तुम ना इधर की रहोगी ना उधर की। उसने हसरत भरे लहजे में कहा, आप चले जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी, अभी आज तो आप जाते नहीं। मेरा कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें रोज़ यहाँ आकर बोहनी करा लिया करूँगी। तुम इतनी दूर रोज़ आओगी? हाँ चली आऊँगी, 2 मील ही तो है, आपके हाथ की बोहनी हो जाएगी। ये लीजिए गिलौरियाँ लाई हूँ, बोहनी तो करा दीजिए। मैंने गिलौरियाँ ली, पैसे दिए और कुछ गश किसी हालत में ऊपर जाकर चारपाई पर लेट गया। अब मेरी अकल कुछ काम नहीं करती कि इस मुसीबत से क्यों कर गला छुड़ाऊँ। तब से इसी फिक्र में पड़ा हुआ हूँ, कोई भागने की राह नज़र नहीं आती। सुरखरू भी रहना चाहता हूँ, बेमुरवती भी नहीं करना चाहता, और इस मुसीबत से छुटकारा भी पाना चाहता हूँ। अगर कोई साहब मेरी इस करुण स्थिति पर मुझे ऐसा कोई उपाय बतला दें तो जीवन भर उनका कृतज्ञ रहूँगा।